बाईस में अखिलेश जी कहते थे कि हम जो है चार सौ सीटें जीतेंगे और तीन सीट में विपक्ष को जो है भेजते थे प्रदेश की जनता ने उनको बता दिया कि प्रदेश की जनता मोदी और योगी को पसंद करती है उनको वोट दिया चौबीस में इन्होंने क्या खुवाब एक झूठ बोला कि चार सौ सीटें मोदी जी पाएंगे तो संविधान बदल देंगे आरक्षण खत्म कर देंगे तो जो वोट उन्नीस ब... में जो बसपा का वोट था जो सभी सरकार चौबीस में वो वोट हुई दस बारह परसेंट हुए अठारह परसेंट परसेंट दस बारह परसेंट दस परसेंट वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सिम और उन्नीस में उन्होंने जो दो हार हुई उन्होंने अपने गोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी जो पूर्व और पश्चिम कहे जाते हैं एक तरफ पूरब में सपा है पश्चिम में बसपा है उत्तर प्रदेश सरकार का वो चेहरा वो मंत्री जो कभी हार नहीं मानता कई बार विफल होने के बाद में सड़कों से दोबारा शुरू किया और फिर मंत्रिमंडल में आके बैठे चुनाव जीते और आज हरियाणा में चुनाव के लिए आए हुए हैं मैं बात दयाशंकर सिंह जी की कर रहा हूँ परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में और अलग लेवल के नेता इनको कहा जाता है जमीन से जुड़े हुए नेता कहा जाता है क्योंकि कॉलेज टाइम से इन्होंने जो है अपनी सियासत शुरू की थी मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नोएडा में शुरुआत यहाँ से करूँगा आप यहाँ पर आए हरियाणा में और सबसे जो हॉट सीट मानी जाती है जो अभी फिलहाल जो है सैनी साहब की सीट है वहाँ पे आपने आके जो है लोगों से रबता कायम किया क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे मंत्री जी किस तरह की जीत और हार का फासला चलेगा देखिए आप लोग भी इसको आकलन किए होंगे कि डे बाई डे प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी और और जो दलें हैं छोटे दल वो सब किस तरह से नीचे जा रहे हैं एक तरफा अब जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है हरियाणा के लोग विकास चाहते हैं हरियाणा देश के एक विकसित राज्य में से है यहाँ के किसान समृद्ध किसान हैं जब पूरे देश में किसानों के बारे में बात हो तो यहाँ की मंडियाँ यहाँ के किसानों के आय और प्रांतों से बेहतर रहा है तो ये विकास चाहते हैं और विकास जो है डबल इंजन की सरकार में हो सकती है ये जानते हैं कि कोई भी बड़े निर्णय होते हैं तो दोनों सरकार यदि एक साथ की होती है तो वो निर्णय तुरंत हो जाता है तो इसलिए यहाँ की जनता नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चाहती है और नायब सिंह सैनी जी ने बहुत कम समय में ढाई तीन महीने के अंदर उन्होंने एक फैसले लिए जो हरियाणा के इतिहास में एक बहुत बड़ा है कि एक मुख्यमंत्री इतने कम समय में प्रदेश के विकास के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया हो ये नायब सिंह सैनी के हिस्से में जाता है दूसरे नायब सिंह सैनी ग्राउंड टू थे जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनके मुख्यमंत्री के ऑफिस हो या मुख्यमंत्री का आवास हो आम जन के लिए उन्होंने खोल दिया है समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके उनको सम्मानित करने का काम किया है इसलिए बहुत तेजी के साथ और बदलाव आया है लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं और भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी चौवालीस सीटों पर आगे थी और इस बार जिस तरह से चुनाव प्रबंधन और सब चीज़ हुआ है आप देखेंगे कि बीजेपी 60 से ज़्यादा सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी अच्छा मंत्री चूंकि आपने प्रधानमंत्री मोदी साहब का जिक्र किया तो यहाँ पे एक सीट है जुलाना जहाँ से विनेश फुगाट जो है चुनाव लड़ रही हैं अभी उनका कल हाल ही में बयान आया कि प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करना चाहते थे लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं करी क्योंकि वो रिकॉर्ड करना चाहती थी उन्होंने रिकॉर्ड की परमिशन नहीं दी क्या ऐसा है कि पहलवानों वाला जो मुद्दा था उस, उससे कुछ असर हरियाणा सरकार पर या हरियाणा चुनाव में पड़ेगा देखिए मोदी जी खेल और खिलाड़ियों के प्रति सदैव जो है उनको प्रोत्साहन करने के लिए आगे आते रहे हैं आप देखे होंगे कि कोई भी खेल होता था तो अपने ब्यस्तम समयों में से समय निकाल करके उस खेल को भी उसमें भागीदार बनते थे और बड़े बड़े फैसले खेल और खिलाड़ियों के लिए उन्होंने लिया जिसके कारण आज जो है दुनिया के अंदर भारत के भी खिलाड़ी अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं पहले आप देखते थे कि कितने पदक आते थे हमारे यहाँ सबसे नीचे की श्रेणी में भारत के नंबर आते थे चाहे वो एशियाड हो ओलंपिक हो, हो। लेकिन आज जो है भारत के अपने खिलाड़ी दुनिया में अपना नाम रोशन करके भारत को लौट रहे हैं इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है उनका खेल के प्रति जो रुचि है जो खेल को प्रोत्साहन देने की उनकी भावना है उसके कारण ये सब चीज़ हो रहा है मंत्री एक सवाल ये कि कुमारी शैलजा से लेकर और बाकी जो नेता कांग्रेस के हैं एक अंदर जो है कलह नजर आ रही है एक लड़ाई नज़र आ रही है अब वो मुद्दों की लड़ाई है वैचारिक लड़ाई है पता नहीं क्या ये कांग्रेस की कलह है बीजेपी के फायदे बीजेपी के लिए फायदेमंद है देखिए कांग्रेस का यहाँ कोई संगठन उंगठन नहीं है यहाँ तो ये यह कोई व्यक्ति विशेष इस यहाँ कांग्रेस चलाता है और वही वही जो है पूरे हरियाणा पर अपने को अधिपत्य जो है हासिल करके रखना चाहते हैं कोई संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है ना उनके कोई करकारिणी है ना करखर्ता है बस व्यक्ति है और व्यक्ति के इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन है नीचे तक का संगठन है समाज के हर वर्ग में भाजपा के करकर्ता हैं पूरे जी जान से लगे हुए हैं इसलिए भाजपा का मुकाबला ये लोग नहीं कर सकते चूंकि वक्त की कमी है एक आखिरी सवाल कर लेते हैं हरियाणा के ऊपर हमने बात कर ली अब उत्तर प्रदेश में भी दस सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं मंत्री जी वहाँ की तैयारी कैसी चल रही है दस सीटें हैं उपचुनाव है सामने संघर्ष है और बीजेपी की बढ़ती हुई ख्याति देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार हम जीत रहे हैं हम चौदह में प्रचंड बहुमत के साथ जीते माननीय अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे उनके पैरों तले जमीन खिसक गए उनको पते नहीं चला सत्रह में खुद मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जो है जीत करके आई और 19 में उन्होंने जब दो हार हुई तो उन्होंने अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी जो पूरब और पश्चिम कहे जाते हैं कि एक तरफ पूरब में सपा है तो पश्चिम में बसपा है जो दोनों एक कभी हो ही नहीं सकते लेकिन उन्होंने अपनी हार को वो करने के लिए दोनों से समझौते किए 19 में दोनों मिल चुनाव लड़े फिर भी मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए और फिर से हम लोग जो है सड़सठ सीटें लोकसभा में प्राप्त करके प्रचंड मोहम्मद से हम लोग जीत करके आए बाईस में अखिलेश जी कहते थे कि हम जो है चार सौ सीटें जीते जीतेंगे और तीन सीट में विपक्ष को जो है भेजते थे प्रदेश की जनता ने उनको बता दिया कि प्रदेश की जनता मोदी और जोगी को पसंद करती है उनको वोट दिया चौबीस में इलेक्शन हुआ चार इलेक्शन हम लगातार जीतते गए चौबीस में इन्होंने की अफवाह फैलाई एक झूठ बोला कि 400 सीटें मोदी जी पाएंगे तो संविधान बदल देंगे आरक्षण खत्म कर देंगे तो जो वोट 19 में जो बसपा का वोट था जो कभी सपा को नहीं मिला 24 में वो वोट भी उस 10-12 परसेंट जो है उनके 18 परसेंट वोट में से 10-12 परसेंट 10 दस परसेंट वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को शिफ्ट हो गया जिसके कारण ये झूठ के बल पर उन्होंने थोड़ी सीटें हासिल कर ली उपचुनाव हो रहा है उपचुनाव में जनता जान गई है इन लोगों के झूठ की बात को भी समझ गई है इसलिए काट की हाँड़ी एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती है दस की दसों सीट भाजपा जीतेगी बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी तो दयाशंकर सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी और हरियाणा की जिन मुद्दों पर वोटिंग यहाँ की जनता करेगी उन मुद्दों को यानी विकास को लेकर डबल इंजन की सरकार आगे चलेगी उत्तर प्रदेश में दस सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहाँ पर भी साफ तौर पर कहा कि वहाँ पर भी जीत का प्रचंड भाजपा जो है लहराएगी वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर काम हुआ है और जो अफवाहें फैलाई गई हैं उनसे इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ज़रूर बच के रहेगी हरियाणा से ना नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तानी